हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है, एनटीपीसी लिमिटेड का रिसेंटली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, उसी के रिगार्डिंग ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे लार्ज स्केल में हायरिंग आपको देखने को मिल जाता है और एक फुल टाइम परमानेंट जॉब यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, डेस्क इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, साइट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, और भी बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग सैलरी जो आपका रहेगा वो आपका 45,000 रुपये पर महीने के अकॉर्डिंग ये सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर पाएंगे। लगभग सारी ब्रांच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। कैसे आपको अप्लाई करना है, आपके जॉब लोकेशन कौन कौन सी देखने को मिलेगी, आपका सैलरी क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना है बिना स्किप किए। वहीं अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। टारगेट रहेगा यहाँ पे मात्र 900 प्लस आपको लाइक करवाने। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताना मत भूलना, क्योंकि फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा जो आपने मुझको बता रखा है। अब बताना क्या है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, और कौन से लोकेशन में अभी आप जॉब सर्च कर रहे हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा दी है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस आइकन पर आपको क्लिक करना है और आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को, तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि एनटीपीसी लिमिटेड का प्राइवेट कंपनी के साथ रिसेंटली प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, उसी के रिगार्डिंग ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब जो प्राइवेट कंपनी आपको देखने को मिल जाती है वो आपकी कंपनी रहने वाली है SPGCL। ये कंपनी यहाँ पे थर्मल पावर सेक्टर की कंपनी है और लिंक्डइन पे इन्होंने पोस्ट भी डाल रखा है, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये थर्मल पावर सेक्टर में काम करती है, पावर सेक्टर की कंपनी है। अगर आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पे रेलवे के अंदर ये काम करती है, कोल सोर्सेज के अंदर ये काम करती है, वाटर रिसोर्सेज के अंदर ये काम करती है। बेसिकली ये जो काम करती है आपका पावर सेक्टर की कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और NTPC के साथ इनका रिसेंटली अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, उसी के रिगार्डिंग ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी पोस्ट आउट की है वो इन्होंने कर रखी है, यहाँ पे अमर सिंह ने लिंक्डइन पे पोस्ट आउट कर रखी है। एक दिन पहले ही जॉब वैकेंसी यहाँ पे अपलोड किया गया है और अमर सिंह यहाँ पे जनरल मैनेजर हेड आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी में काम कर चुके हैं लेकिन अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं SPGCL थर्मल पावर सेक्टर के अंदर ये काम कर रहे हैं, थर्मल पावर स्टेशन में अभी रिसेंटली ये पोस्टिंग पे है और ये काम कर रहे हैं। इन्होंने ही वैकेंसी यहाँ पे डाली है। अगर आप फ्रेशर है तो भी आप इसको अप्लाई करके ट्राई करना, और अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई करना। मैं आपको पर्सनली सजेशन देना चाहूँगा कि आप फ्रेशर हो तो भी यहाँ पर ट्राई करना, क्योंकि जो प्लांट रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग स्विच करते रहते हैं दूसरे प्लांट पे। तो अगर आप अप्लाई करोगे और आप फ्रेशर हो तो आपका जो रिज्यूम है फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लिया जाता है, बाद में अगर कोई वैकेंसी खाली होती है तो भी आपको वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाती है, ठीक है ना। तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। हम यहाँ पर सबसे पहले पोजिशन को देख लेते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे ओपन पोजीशन है ये आपका थर्मल पावर प्लांट के अंदर वैकेंसी है। इन्होंने पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है, आपका सीरियल नंबर, पोजीशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे
वहाँ पे अगर आप इनके करियर वाले सेक्शन में जाएंगे तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो तो इनका ईमेल आईडी दे रखा है, आप डायरेक्टली इनको ईमेल भी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे आपको ईमेल करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस वालों को भी यहीं पे ईमेल करना है, लेकिन एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग अलग टाइप की पोजीशन रहेगी जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और अब मैं आपको अप्लाई प्रोसेस बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपका 10 नंबर पे वैकेंसी है, सीरियल नंबर 10 पे इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के अंदर वैकेंसी निकाली है। बीबीटेक जिन्होंने कर रखा है इलेक्ट्रिकल से वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर देना, क्योंकि फ्रेशर के लिए जो पोजीशन रहती है वो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग को हायर करते हैं। पर ईयर कोई ना कोई कंपनी यहाँ पे हायर करती है, तो यहाँ पे SPGCL भी हायर करती है हर साल। तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। बाकी यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, तो फ्रेशर हो तो भी अप्लाई करके ट्राई जरूर करना। ये भी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेंटेनेंस के अंदर वैकेंसी है, बीबीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी आपका रहेगा इंजीनियर मेंटेनेंस के अंदर वैकेंसी है, मैकेनिकल में अगर आपने बीबीटेक कर रखा है और 3 साल का एक्सपीरियंस है अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी रहेगा आपका कंट्रोल रूम और डेस्क ऑपरेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, बीबीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से 3 साल का एक्सपीरियंस है अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका इंचार्ज का वैकेंसी है जहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा है। और ये आपका हेड का वैकेंसी है जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, लीड ऑपरेशन लीड इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी जहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। बाकी लीड मेंटेनेंस प्लानिंग के अंदर भी यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और यहाँ पे जो आपका डेस्क इंजीनियर ऑपरेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर बीबीटेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा है। अब अप्लाई कैसे करना है, नीचे आप देख सकते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस इन्होंने बता रखा है कि अगर आप अपना यहाँ पे जो आपका रिज्यूम है वो आपको यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा amarsingh@spgcl.com या फिर career@spgcl.com, यहाँ पे आपको ईमेल करना पड़ेगा, अपने रिज्यूम को कवर लेटर को अटैच करके ईमेल करना है। जॉब लोकेशन आपका रायगढ़ छत्तीसगढ़ का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको रीलोकेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लांट आपके पास नहीं आ सकता, आपको जाना पड़ेगा प्लांट पे काम करने के लिए। तो आपको छत्तीसगढ़ का जॉब लोकेशन मिल जाएगा रायगढ़ के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले तो आप रिज्यूम यहाँ पे अमर सिंह जी को भेजेंगे तो ये शॉर्टलिस्टेड करेंगे। शॉर्टलिस्टेड करने के बाद आपको वहाँ पे ईमेल आएगा, क्योंकि आपके रिज्यूम के अंदर आपका ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर होंगे, उसके द्वारा यहाँ पे आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। और जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू होने के बाद आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जाम रहेगा जिसमें आपका वेट हाइट मेजरमेंट होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाती है। बाकी यहाँ पे सैलरी बढ़िया रहता है और इंटरव्यू के बेस पे ही सिलेक्शन होने वाला है, किसी भी टाइप का कोई आपका एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगा। और जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे रहती है, हर साल वैकेंसी निकलती है यहाँ पे। और फ्रेशर अगर अप्लाई करेंगे तो वही ईमेल आईडी है जो कि इन्होंने वहाँ पे पोस्ट में मेंशन कर रखी है, और यहाँ पे वही ईमेल आईडी है careers@spgcl.com, यहाँ पे आप भेज दीजिएगा अपना रिज्यूम। और अगर आप फ्रेशर हैं तो अप्लाई कर रहे हैं तो आप अगर फ्रेशर आईटी होल्डर हैं तो आपको टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोजीशन पर अप्लाई करना है, डिप्लोमा है तो यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन मेंशन करना है, और आपने बीबीटेक कर रखा है तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। जब आप ईमेल करेंगे तो वहाँ पर जो उसका सब्जेक्ट लाइन रहेगा तो अप्लाई फॉर टेक्नीशियन ट्रेनिंग या फिर अप्लाई फॉर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग या फिर अप्लाई फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, ये आपको डालना है। कवर लेटर मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करवा दी है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और वो आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है डायरेक्टली अटैच करके और अपने रिज्यूम के साथ वहाँ पे भेज देना है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अमर सिंह जी का पोस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे ओपन करके आप इसको अप्लाई कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।